हेलो एवरी वन ऑफ क्लास ट्वेल्थ नाउ द नेक्स्ट टॉपिक बिगिनस नेक्स्ट चैप्टर दैट इज वेव ऑप्टिक्स अभी तक आप रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे अब इसकी कुछ डेफिनीशंस हैं वेव फ्रंट पहला आता है वेव फ्रंट किसे कहते हैं अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी ऑफ लाइट अ सोर्स ऑफ लाइट सेंस आउट डिस्टर्बेंस इन ऑल डायरेक्शन जिस प्रकार से साउंड वेव प्रोपगेट करती है सभी दिशाओं में सभी डायरेक्शन में इसी प्रकार से लाइट भी जो है लाइट के सोर्स से जब निकलती है तो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है चारों दिशाओं में होमोजीनियस मीडियम द डिस्टर्बेंस रीचेज ऑल दो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इन फेज तो होमोजीनियस मीडियम जब होता है तो उसमें यह डिस्टर्बेंस सभी पार्टिकल जो उसी फेज में होते हैं उनमें सब पार्टिकल्स तक वो डिस्टर्बेंस पहुंचता है विच आर लोकेटेड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ द लाइट और जो लाइट के सोर्स से समान डिस्टेंस पर होते हैं तो उन तक डिस्टर्बेंस बराबर समय में पहुंचता है एंडस एट एनी इंस्टेंट ऑल सच पार्टिकल मस्ट बी वाइब्रेटिंग विद द सेम विथ ईच अदर तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह डिस्टर्बेंस सभी पार्टिकल्स को अगर बराबर टाइम में मिलेगा और समान रूप से मिलेगा तो सभी पार्टिकल एक साथ वाइबरेट करनी चाहिए द लोकस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इन पार्टिकल्स का जो लोकस होगा लोकस माने बिंदु पथ होता है उनका जो पथ जिस रास्ते में वो वाइब्रेट कर रहे होंगे विच एट एनी इंस्टेंट आर वाइब्रेटिंग द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम विच एट एनी इंस्टेंट आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज इज कॉल्ड द वेब फ्रंट जो उन वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स का जो लोकस होगा वो वेब फ्रंट कहलाता है अब वेब फ्रंट कई प्रकार का हो सकता है स्फेरिकल हो सकता है आपका सिलेंड्रिकल हो सकता है जिस तरीके से वो प्लेन हो सकता है है ना तो जिस तरीके से वो पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे वो वेब फ्रंट होंगे अब हाइगेंस ने कुछ प्रिंसिपल दिए थे हाइगेंस ने प्रिंसिपल दिए थे वेब थ्योरी में हाइगेंस जो आ, आ, क्या कहते हैं कि पोजीशन ऑफ वेब फ्रंट निकालने के लिए और किसी न, गिवन इंस्टेंट पर जो उसकी पोजीशन होगी उससे कुछ टाइम बाद उसकी पोजीशन क्या बनेगी ये निकालने के लिए और न, लाइट जो है वो किस प्रकार से मीडियम में स्प्रेड आउट होती है उसको बताने के लिए हाइगेंस ने कुछ प्रिंसिपल दिए थे तो उसके जो प्रिंसिपल हैं वो इन दो अजम्सन्स पर बेस्ड हैं च पॉइंट ऑन गिवन और प्राइमरी वेब फ्रंट जो गिवन वेब फ्रंट हो या प्राइमरी कहते हैं उसको हम एक्ट एज अस वो एक सोर्स की तरह काम करता है ऑफ सेकेंडरी वेबलेट्स सेकेंडरी वेबलेट के सोर्स की तरह काम करता है सेंडिंग आउट डिस्टर्बेंस इन ऑल डायरेक्शन इन अमिलर मैनर एज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ लाइट डज जिस प्रकार से ओरिजिनल सोर्स ऑफ लाइट जो है चारों दिशाओं में डिस्टर्बेंस को संचरित करता है फैलाता है उसी प्रकार से कोई गिवन अगर वेब फ्रंट है तो वेब फ्रंट सेकेंडरी वेबलेट के लिए जो उसके बाद वेबलेट बनेगी दूसरी वाली उसके लिए तो वो सोर्स का ही काम करेगा तो ये कह रहा है द न्यू पोजिशन ऑफ द वेब फ्रंट एट एनी इंस्टेंट किसी समय पर जो उसकी न्यू पोजिशन होगी वेब फ्रंट की सेकेंडरी वेब फ्रंट बोलते हैं जिसे इज द इन्वेलप ऑफ द सेकेंडरी वेबलेट वो सेकेंडरी वेवलेट के इनब्लब की तरह काम करता है एट दैट इंस्टेंट माने उस समय इन दो प्रिंसिपल्स के बेस पर उसने जो है वेब थ्योरी दी हाइगेंस ने इसके बाद इसका डिस्कशन करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन का आ, इन वेब थ्योरी वेब आ, की भाषा में